अगर आप मेघालय से हैं और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपके पिताजी का नेम गलत है, आप उसे सही करवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपने पिताजी का नेम अपडेट या नेम करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पिताजी के नेम के स्पेलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइक सरनेम ऐड करवाना हो, सरनेम रिमूव करवाना है, या सरनेम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, फर्स्ट नेम ऐड करवाना हो, फर्स्ट नेम चेंज करवाना है, या मिडल नेम ऐड करवाना हो, मिडल नेम रिमूव करवाना है, या फुल नेम ही आप चेंज करवाना चाहते हैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट में अपने पिताजी के नेम में, तो सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में अपने पिताजी का नेम अपडेट करवा सकें या करेक्शन या चेंजेस करवा सकें। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल पर पब्लिकेशन होता है जो आपका हर एक डिपार्टमेंट हर एक डॉक्यूमेंट के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी मदद से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे अपने पिताजी का नेम अपडेट करवा सकते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन किस तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए सबसे पहले हमने एक एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें मेंशन होती है आपकी डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नाम, आपका एड्रेस। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट का एड्रेस उसके अंदर मेंशन होता है उस पर वो सेम डिटेल मेंशन होती है, जिसमें जो डिटेल्स आपने एफिडेविट में मेंशन करवाई है वही सेम डिटेल आपको न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवानी होती है। तीसरा, डिजिटल सीडी आपने रेडी करवानी है। थ्री स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी फाइल के साथ अपनी आईडीज को अटैच करना है। आईडीज अटैच करने के बाद फर्स्ट पेज पे फ्रंट पेज पे तो पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर सिग्नेचर करके कंप्लीटली अपनी फाइल को रेडी करके गवर्नमेंट ऑफिस जाना है और फाइल को गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करवाना है। कुछ दिन इंतजार करने के बाद गवर्नमेंट की साइट से जैसे सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन आपको मिलता है उसकी मदद से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में अपने पिताजी का नेम अपडेट या नेम करेक्शन करवा सकते हैं। और ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन वैलिड डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट में पिताजी का नेम अपडेट करवाने के लिए। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।